हेलो गाइस, बांग्लादेश वर्सेस विंडीज की जो मैच चल रही है, इस मैच की तो दो मैच चल गई है और दो में से एक विंडीज जीता है और एक बांग्लादेश ने जीता है। तो सॉरी सभी से, क्योंकि मैं प्रेडिक नहीं किया था इस दो मैचों की, लेकिन मेरी जो एनालिसिस थी, मुझे जो पर्सनल से कांटेक्ट किया था मेरी व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे, वो लोग तो पा गए थे और दोनों के दोनों मैच ही विन हो गई। क्योंकि फर्स्ट मैच मैंने बोला था कि बांग्लादेश जीतेगा और सेकेंड मैच विंडीज़ जीतेगा, या आप लोग तो विश्वास नहीं करोगे, तो बात दो ये सब बात, तो देखते हैं थर्ड ओडीआई में क्या होता है। और ये जो थर्ड ओडीआई है विंडीज़ और बांग्लादेश की जो मैच है, ये मैच बहुत ही एक अच्छी मैच होने वाला है, क्योंकि जब बांग्लादेश ने विंडीज़ के देश पर जा गया था और विंडीज़ ने जैसा हराया था बांग्लादेश को, के तो बात दो पुरानी बातें, तो ये जो मैच है, ये मैच तो बहुत ही एक अच्छी मैच होने वाला है, क्योंकि ये जो मैच है, ये मैच होने वाला है सिलेट स्टेडियम पर। और सिलेट की जो पिच है, ये पिच तो बॉलिंग पिच है, और बॉलिंग की तरफ अगर देखा जाए तो बॉलिंग जो पिच होती है, इस पिच में ज़्यादा रन नहीं बनता है। हाइस्ट स्कोर इस पिच के अगर देखा जाए तो 290 का है, और ये जो फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर है इस पिच की, वो है 230 से 240, और सेकेंड इनिंग्स के एवरेज जो हो सकती है इस पिच में 210 से और 220। ये इस पिच पर ना हाई स्कोरिंग नहीं देखने को मिल सकती है आप लोगों को, लेकिन ये जो मैच है बहुत ही टाइट मैच होगा, क्योंकि मैं जो पहले बोला था कि बांग्लादेश जब टूर किया था विंडीज़ पर, तो विंडीज़ ने टेस्ट पर बहुत ही बुरी तरह से हराया था बांग्लादेश को, तो ठीक वैसी तरह ही विंडीज़ को बांग्लादेश जब आया, तो बांग्लादेश ने वैसी तरह ही 3 दिन से मैच को ख़त्म कर दी टेस्ट मैच। तो ये जो ओडीआई है, ओडीआई भी सेम टू सेम हो रही है, एक एक जीत हासिल की दोनों टीम ने। तो ये जो दो टीम है, दोनों टीम अच्छा टीम है। अगर विंडीज़ की तरफ देखा जाए तो विंडीज़ की जो बैट्समैन है, बहुत ही अच्छे अच्छे बैट्समैन है, और अगर एक भी बैट्समैन या फिर दो बैट्समैन अगर विंडीज़ की फॉर्म में आ जाए और टिक जाए पिच पर, तो बहुत ही हाई स्कोरिंग हो सकती है, क्योंकि ये जो विंडीज़ की बैट्समैन है बहुत ही हिटर बैट्समैन है और बहुत ही अच्छी अच्छी लंबी लंबी शॉट खेलती है। लेकिन बांग्लादेश की जो प्लेयर है, वो तो लिटन दास, तामिम इकबाल या फिर महमूदुल्ला छोड़ के इस बांग्लादेश टीम की कोई उतना, मशरफी बिन मुर्तजा भी खेलता है 7 नंबर नाम के, बारे बारे शॉट, लेकिन और कोई भी प्लेयर उतना अच्छा शॉट नहीं खेलता है। मुशफिकुर रहीम है जो एक लिटन मास्टर कहलाते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी बैट्समैन है मुशफिकुर रहीम ने, विकेट कीपर है, 3-4 नंबर पर नाम वो बैट करते हैं, बहुत ही अच्छी बैट करती है। तो ये जो मैच है दोस्तों, दोनों टीमों की अगर की प्लेयर देखा जाए, तो बांग्लादेश की तरफ से तामिम इकबाल है, लिटन दास है, पहले मैच तो अच्छा नहीं खेला था, तो इमरुल कायस है, इमरुल कायस भी एक अच्छी बैट्समैन है, क्योंकि इमरुल कायस बहुत ही ठंडी दिमाग से खेलती है, अपनी जो कोई भी मैच है वो दिमाग गर्म करके नहीं खेलता है। शाकिब अल हसन है, मुस्तफिजुर रहमान है, मशरफी बिन मुर्तुजा है, तो ये जो महमूदुल्ला है, तो ये जो बैट्समैन है और बॉलर है, बहुत ही अच्छी अच्छी बॉलर और बैट्समैन है। और एक बॉलर जो है रूबेल हुसैन, ये जो रूबेल हुसैन है बहुत ही एक अच्छी बॉलर है, क्योंकि रूबेल हुसैन ने ही 2014 में बांग्लादेश को सेमीफाइनल में पहुँचाया था, इंग्लैंड को 3 जो लास्ट ओवर पर 2 विकेट लिया था, दो विकेट दो बॉलों पर लिया था रूबेल हुसैन ने, तो रूबेल हुसैन को मात छोड़ना, क्योंकि बहुत ही अच्छी खतरनाक बॉलर हो सकती है। और यह जो विंडीज़ की बॉलर है, विंडीज़ के बॉलर तो उतना अच्छा नहीं है, थॉमस है, रोस है, तो उतना अच्छा बॉलर नहीं है, लेकिन बैट्समैन जो है, बैट्समैन की अगर देखा जाए तो विंडीज़ की प्लेयर की तरफ से तो रोबमन पायल है, शिमरन हेटमार है, डैन ब्रावो है, तो ये जो कुछ बैट्समैन है विंडीज़ की, शाई होप है, तो ये जो बैट्समैन है बहुत ही एक खतरनाक खतरनाक बैट्समैन है, क्योंकि शिमरन हेटमार ने आपने देखा होगा कि टेस्ट पर भी वो की कैसा हिट करके खेलता है, कोई भी मैच है वो अपनी जो ठंडी दिमाग है वो उससे नहीं खेलता है, वो हमेशा अपनी दिमाग जो है वो भेजा फ्राई होता है उसकी भेजी में, क्योंकि ये जो हेटमार है बहुत ही एक अच्छे हिटर और लंबी लंबी शॉट खेलते हैं, और विंडीज़ की सारी प्लेयर लंबी लंबी शॉट खेलती है, जैसे कि आपने देखा था कि शाई होप ने कैसा अच्छा खेला था, 256 रनों की जो टारगेट थी वो आपने एकाई किया था 146, तो बहुत ही अच्छे एक बैट्समैन भी है और बॉल भी कम खाया था शाई होप ने। तो यह जो मैच है, ये मैच बहुत ही कॉन्टेस्ट होने वाला है, और क्योंकि ये जो विंडीज़ है, विंडीज़ की तो एक खोप है, क्योंकि ये विंडीज़ क्रोध है बांग्लादेश पर, क्योंकि टेस्ट पर बहुत ही बुरी तरह से हारा है, तो वन डे तो नहीं हारना चाहेगी, लेकिन ये जो विंडीज़ की जो बैट्समैन है, अगर टिक जाए कोई भी बैट्समैन, तो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि शिमरन हेटमैन ने 2 मैच खेला है और 2 मैचों में कोई भी रन नहीं पाया, तो थर्ड ओडीआई में शायद शिमरन हेटमैन एक मारमुखी बैट्समैन हो सकती है और ख़तरनाक बैट्समैन भी बन सकती है बांग्लादेश की बॉलर के लिए। लेकिन बांग्लादेश की जो मुस्तफिजुर रहमान है, रूबेल हसन है, और जो शाकिब अल हसन स्पिन, और मशरफी बिन मुर्तजा जो बॉल करती है, स्लो डिलीवरी बहुत ही अच्छी करती है, तो ये जो मैच है दोस्तों, और ये जो पिच है, इस सिलेट की जो पिच
पिच है, इस पिच की एनालिसिस और टीम की एनालिसिस करते हुए मुझे जो लग रही है दोस्तों कि ये जो मैच है ये मैच बांग्लादेश ही विन करेगी, क्योंकि अगर बांग्लादेश टॉस जीते लेकिन विंडीज अगर टॉस जीत के वो बाद में बैटिंग करता है तो कुछ भी हो सकती है, खतरनाक बन सकती है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेश अगर बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइन है उतना अच्छा नहीं है, अगर विंडीज कम रनों से उसको ऑल आउट कर देती है तो विंडीज के लिए फ़ायदा हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश अगर टॉस जीत जाए तो बांग्लादेश ही विन होगा, ये तो मेरी तरफ से दोस्तों 90% रहेगा बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश की जो बॉलिंग लाइन है बैटिंग लाइन है बहुत ही अच्छा अच्छी बैट्समैन भी है, और बैट्समैन जो है वो सभी ठंडी दिमाग से खेलता है, एक को छोड़ के वो है तामिम इकबाल को छोड़ के और लिटन दास को छोड़ के सभी बैट्समैन अपनी जो ठंडी दिमाग है, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, शाकिब अल हसन, इमरुल कायस बहुत ही ठंडी दिमाग की और अच्छी ध्यान से खेलता है ये मैच, तो ये इस बात को हमेशा ही अपनी जो दिमाग है दिमाग में डाल लेना, और अगर विंडीज बांग्लादेश से टॉस जीत के पहले बॉल करे और अगर विंडीज ने 300 से ऊपर रन कर लेता है, 280 या फिर 270 के ऊपर रन कर लेता है, 290 भी कर लेता है विंडीज ने, तो विंडीज ये मैच जीतेगी, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्लेयर है उतना अच्छा नहीं स्कोर कर सकती है, क्योंकि सिलेट की पिच मैंने पहले ही बोला कि ये जो पिच है ये पिच है बॉलिंग पिच है, तो ये तो रहा मेरी तरफ से आज की जो कल की जो मैच है इस विंडीज़ और बांग्लादेश की ये प्रिडिक्शन, और दोस्तों ये जो मैच है तो मेरी तरफ से बांग्लादेश, तो ये तो मेरी प्रिडिक्शन रहा है, तो मैं चलता हूँ और जाते जाते जो क्या जो कहना भूल गया वो है, अगर मेरे वीडियो से कोई भी आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जो एक छोटा सा काम है वो है मेरी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पाने के लिए थोड़ा सा एक और भी काम करना पड़ेगा, वो है नोटिफिकेशन जो बेल है उस बेल को आइकॉन को प्रेस कर देना है, और अगर बातों को पसंद आया तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और प्लीज़ शेयर कर देना, और अगर मेरी बातों से कोई भी सहमत नहीं है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में जानाना, और कोई भी इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई भी बात हो आपको तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स जो बॉक्स है उस बॉक्स पर मेरे को जानाना, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को आंसर देने के लिए, तो चलते हैं आज के लिए, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे रहना और ध्यान से रहना दोस्तों।